नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो क्राइम करके लोग विदेश भाग जाते हैं और उनको ये लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट मैसेज रहेगा। हालांकि ऐसी न्यूज़ हम अपने टॉपिक पे हम कम बनाते हैं, लेकिन ये विदेश से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए मैं आप लोगों की कुछ बातें शेयर कर देता हूँ कि कोई भी आरोप या आपके ऊपर कोई आरोप लगता है या फिर आप हकीकत में वो काम कर देते हैं, कोई भी कांड, लड़ाई झगड़ा या किसी की हत्या, मर्डर, लूट, चोरी या फिर कोई डकैती या फिर आप किसी का रेप वगैरह कुछ भी आप कर देते हैं या फिर आप तस्करी वगैरह कुछ भी करके आपके ऊपर मुकदमा लग जाता है या फिर आप पहले करके भाग जाते हैं विदेश में और पीछे से आपके ऊपर मुकदमा लग जाता है, तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या हो सकता है। अब आप ये सोच सकते हो कि यार हम तो वो क्राइम करके इंडिया छोड़ चुके हैं, हम तो दूसरे देश आ गए, देखेंगे 2-4 साल बाद इंडिया जाएंगे क्या होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ, एक रेप का आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट पे 3 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, एक झुंझुनू का ये मैटर है, हालांकि नाम वगैरह बताना हम यहाँ पे जरूरी, मुझे नहीं लगता जरूरी है, लेकिन ये एक इस वाक्य के माध्यम से आप ये बात समझ सकते हैं कि 2018 में सामूहिक रेप कांड में 3 जनों को नामजद किया था पुलिस ने। जी हाँ, एक औरत ने 3 लोगों के खिलाफ में FIR करवाई थी कि सामूहिक रेप किया, मेरा अपहरण करके काफ़ी जगह मुझे अलग अलग जगह लेकर 3-4 दिन तक मेरे साथ रेप किया, ऐसा कुछ से एक FIR हुई थी 2018 में। जी हाँ, उसमें क्या हुआ, 3 बंदे थे, 3 में 2 तो इंडिया में थे, 1 बंदा ये जो कांड करके या फिर कैसे भी मान लो हम, वो तो पुलिस का या कोर्ट का मैटर है कि आरोप लगा है उसके ऊपर, और आरोप लगने का मतलब ये नहीं होता कि भाई वो दोषी है, आरोप कोर्ट में सिद्ध होंगे तो वो दोषी माना जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर आरोप लगने से पहले वो 2018 में बंदा सऊदी अरबिया चला गया था। जी हाँ, अब सऊदी अरबिया चला गया, तीनों के पीछे से FIR हो गई, तो 2 को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो बंदा 3 साल के बाद में दिल्ली एयरपोर्ट पे आया और आते ही वहाँ पे उसको साइड में करके रोक लिया गया। जी हाँ, और फिर यहाँ पे हमारे झुंझुनू पुलिस को इन्फॉर्म किया, झुंझुनू पुलिस दिल्ली गई, उसको लेके आई। अब ये कैसे पकड़ा गया भाई, 3 साल बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे आने से कैसे पकड़ा जाता है, आप लोगों के मन में भी शंका होगा। देखिए इसमें क्या होता है, गंभीर आरोप लगते हैं, ठीक है, ये रेप का गंभीर आरोप है, जैसे रेप हो गए या फिर हत्या किसी की हो जाती है या फिर बड़ा कोई ऐसा कोई कांड हो जाता है, उस पर क्या करती है फिर पुलिस उसका लुकआउट जारी कर देती है। लुकआउट का मतलब ये होता है कि आपका, आपकी जो पूरी जानकारी, आपका पासपोर्ट नंबर, पुलिस पता है, आपको पता है अगर आप विदेश भाग जाते हैं तो पुलिस के लिए पासपोर्ट नंबर या पुलिस की पासपोर्ट की कॉपी निकालना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पासपोर्ट विभाग उनकी हेल्प कर देता है। पासपोर्ट नंबर के आधार पर लुकआउट जारी हो जाता है पूरी इंडिया के अंदर, जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वहाँ पर ये बात, ये रिकॉर्ड में आ जाता है ऑन रिकॉर्ड कि भाई इस पासपोर्ट नंबर का जब भी कोई यात्री आए तो उसको गिरफ्तार करना है, लुकआउट इसको बोल सकते हैं, लुकआउट जारी हो गया कि वहाँ उसको लुक मतलब देखना, देख के उसको साइड में कर लेना, एक तरह से नॉर्मल भाषा में इसको समझे तो। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि यार पूरी इंडिया में कोई भी बंदा किसी भी एयरपोर्ट पे उतर सकता है, लेकिन वो सिस्टम तो पूरे एयरपोर्ट का जुड़ा हुआ होता है ना, ऑनलाइन होता है पूरा। आपने देखा होगा जब भी आप कोई देश छोड़ते हैं या देश में आते हैं तो पासपोर्ट नंबर आपका वेरीफाई किया जाता है, पासपोर्ट नंबर लेते हैं, आप पासपोर्ट लेते हैं ना आपसे, वो पासपोर्ट चेक करते हैं कि आपके खिलाफ में कोई रेड लिस्ट में तो नहीं है, आप रेड लिस्ट में होते हैं तो आपको वहीं साइड में कर लिया जाता है, पासपोर्ट आपको नहीं दिया जाता। जी हाँ, इसी तरीके से इस बंदे के साथ भी हुआ, 3 साल के बाद में एयरपोर्ट दिल्ली उतरा और लुकआउट के हिसाब से इसकी जांच हुई, तो जांच में उसका रेड लिस्ट में आया तो इसको अलग कर लिया गया, फिर संबंधित पुलिस स्टेशन का उसमें नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दिया होता है, तो पुलिस जो इमिग्रेशन अधिकारी हैं वो वहाँ के संबंधित थाने में फ़ोन करते हैं कि इस पासपोर्ट नंबर का बंदा यहाँ पर है, तो यहाँ की पुलिस वहाँ पर जाती है और वहाँ पर गिरफ्तार करके उसको लेके आती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि भाई ये मत समझना कि आप कुछ कांड करके विदेश भाग रहे हैं तो आपके खिलाफ भी ऐसा एक्शन लिया जा सकता है, अगर आपके आपके ऊपर कोई आरोप है, कोई ऐसा कुछ है तो उसको निपटा के जाएं। अब ठीक है, ये बंदा कुछ किया नहीं किया वो तो कोर्ट का मैटर रहेगा, लेकिन इसके ऊपर आरोप लगा, FIR हुई, 3 साल बाद ये गिरफ्तार हुआ। जी हाँ, तो अब उसके ऊपर अब से शुरुआत होगी, उसकी कानूनी कार्रवाई चलेगी, अभी उसको अंदर किया जाएगा, फिर जमानत कब होगी, क्या होगा, फिर कोर्ट ट्रायल जाएगा, अब वो विदेश नहीं जा सकता, कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो इन चीज़ों से सावधानी बरतनी ज़रूरी है, इन चीज़ों से बचें, जितना बच सकें आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, आप समझ सकते हैं, विदेश तक पहुंच जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को जितना हो सके बच लें। बाकी बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।